शुरू करती हूँ अल्लाह पाक के नाम से जो कुल जहाँ का मालिक को कालिक है। जनाब सदर मुइज़्ज़ज़ असदाए कराम और मेरे अजीज साथी हूँ, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई करने का मौका मिला है वो है वालिदीन, माँ बाप की इज्मत। मेरे अजीज साथियों, वालिदीन कुदरत का सबसे अगोर खजाना है। माँ के कदमों तले जन्नत, बाप जन्नत में दाखिल होने वाला दरवाजा। माँ एक बेलूल जज्बा और मोहब्बत का पैकर, तू बाप एक कुलूस दिलजुई का आसीन शाकार। आज यह है कि दोनों इश्तिया हुए कि जिनके बना ना तू हमारी कोई पहचान है और ना ही कोई शनाखत है। मेरे अजीज साथियों, इन हिस्तियों के कदरदान ही रजा इलाही तालिब है। दुनिया व आखिरत की सरफराजी भी इनका मुकद्दर बनती है। बच्चे जितने भी बुरे हो लेकिन वालिदैन कभी भी इनके हक में बुरा नहीं सोचते। वालिदैन की मौजूदगी एहसास बहार होती है, इनकी खिदमत से ही सब की कश्ती पार होती है और इनकी रजा से ही सब की किस्मत पायदार होती है। दिन की रोशनी हो या रात का अंधेरा, सुबह का उजाला हो या शाम की सायदे, कोई भी मौसम, कोई भी मजाज, कोई भी लम्हा, दुनिया में ऐसा नहीं कि जिन में वालिदैन के बेलुज मोहब्बत शामिल ना होती। मेरी अजीज साथियों, हमें अपने वालिदैन की हर सहाज से कदर करनी चाहिए। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने वालिदैन की दुआएं लें। मुकालिफ वक्त को हर बदगुमा को रुक रखा है, मुकालिफ वक्त को हर बदगुमा को रुक रखा है, हर एक हसद की जहरीली जुबान को रुक रखा है, हर एक हसद की जहरीली जुबान को रुक रखा है। उतर सकती नहीं मुझ पर किसी बाइस को ही आफत, उतर सकती नहीं मुझ पर किसी बाइस को ही आफत, मेरी माँ की दुआ ने आसमान रुक रखा है, मेरी माँ की दुआ ने आसमान रुक रखा है। मेरे अजीज साथियों, वालिदैन इस दुनिया का अजीम रिश्ता है जिनको करीब आकर हम अपने आप को ताज़ा दम महसूस करते हैं। माँ हो या बाप, इनके एक मुस्कुराहट हमारे लिए एक नई जिंदगी और एक नई राहत का शाह कसाना होती है। शुक्रिया।